हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकाला जाता है, लेकिन सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9 एंड 18। सबसे पहले हम 9 का एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद 18 का। 9 का फैक्टर 3 है, 3 टाइम्स होएगा। अब कोई भी फैक्टर नहीं है 3 का। अब हम 18 का निकालेंगे। सबसे पहले 18 का फैक्टर 2 है, 9 का फैक्टर 3 है। अब कोई भी इसका फैक्टर नहीं है 3 का, ये 9 का फैक्टर हो गया और ये 18 का हो गया। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या, कौन सा नंबर मैच करता है। तो ये 3 मैच कर जा रहा है, जो दोनों में होना चाहिए, और ये भी 3 मैच कर जा रहा है। इस तरह से 9 और 18 का 2, 3 और 3 कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। थ्री मल्टीप्लाई 3 9। इस तरह से ये 9 एचसीएफ हो गया 9 और 18 का। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ हमें 24, 36 और 48 का एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 24 का निकालेंगे। फैक्टर का मतलब जो संख्या से ये 24 पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो इसका फैक्टर है, 1 को छोड़कर। जैसे ये 2 से पूरी तरह से कट जाता है 12 टाइम्स में, ये इसका 24 का ये फैक्टर हो गया। फिर 12 का फैक्टर कौन सा हो गया, 2 हो गया। 2 से फिर से पूरी तरह से कट जाता है 6 टाइम में, फिर से हम फैक्टर लगाएंगे इसका 2 से 3 टाइम्स। अब 3 का कोई फैक्टर नहीं है और हमें 1 से लगाना नहीं है। इस तरह से 24 का कौन कौन फैक्टर हो गया, 2, 2, 2 और 3। अब हम 36 का लेंगे। 36 का भी 2 फैक्टर है, 18 टाइम्स में हो जाता है। अब 18 का फैक्टर हम निकालेंगे, 18 का फैक्टर भी 2 है, 9 टाइम्स में हो जाता है। अब 9 का 2 फैक्टर नहीं है, 9 का 3 फैक्टर है, 3 टाइम्स में। अब 3 का कोई भी फैक्टर नहीं है, ये भी हो गया 36 का। अंतिम में हम 48 का लेते हैं, 48 का भी 2 फैक्टर हो जाता है 24 टाइम्स, 24 का भी 2 हो जाता है 12 टाइम्स, 12 का 2 हो जाता है 6 टाइम्स, और 6 का भी 2 हो जाता है 3 टाइम्स। अंतिम में 3 का कोई भी फैक्टर नहीं है। इस तरह से 24, 36 और 48 को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हम इस प्रकार से इसे एक लाइन में लिखेंगे, 24 का हो जाता है फैक्टर 2, 2, 2 और 3, और 36 का 2, 2, 3, 3, अंतिम में 48 का लेंगे हम 2, 2, 2, 2, 3। इस तरह से हमने सभी के फैक्टर्स को यहां लिख दिया। अब हम इन तीनों के फैक्टर्स में देखेंगे कि कौन कौन संख्या मैच करता है। जैसे पहला 2 तीनों में है, दूसरा भी 2 तीनों में है, ये सब मैच कर जा रहा है, ये मैच बिल्कुल नहीं करता है। फिर अंतिम में ये 3 ये मैच करता है। इस प्रकार से ये सब कॉमन फैक्टर हो गया, 24, 36 और 48 का 2, 2 और 3। इस तरह से 24, 36 और 48 का कॉमन फैक्टर हो गया 2, 2, 3। इस प्रकार हम लिखेंगे, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12। ये 12 कॉमन फैक्टर हो गया, एचसीएफ हो गया 24, 36 और
48 का। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए बना के लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।